नेटफ्लिक्स पे बहुत ही जल्द कोहरा आने वाला है। ये कोहरा है एक बहुत ही कमाल के इन्वेस्टिगेशन ड्रामा का, जिसके जितने भी अभी आपने अगर बातें सुनी होंगी या स्निपेट्स देखे हैं तो रियली इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इसमें बात करने के लिए वन ऑफ द लीड कास्ट मेंबर्स सुविंदर विकी इस वक्त हमारे साथ हैं। एक ऐसे एक्टर जितने कैरेक्टर्स इन्होंने प्ले किए हैं अभी तक हम सब ने उन्हें बहुत पसंद किया है, तो ढेर सारी बातें हम इनसे करेंगे। बट सुविंदर, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब के श्री नवोदय टाइम्स में आपका। थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल जी सारे नूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका दिया। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। खुशी हमें हो रही है बिकॉज एक बार और आपका कमाल का हमें कैरेक्टर प्ले देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले मैं कोहरा के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या एक्सपेक्ट करें सीरीज से, क्या है सीरीज? ऑब्वियसली मतलब एज एन एक्टर या जब आप काम करते हो किसी सीरीज के लिए और इतने जिम्मेदारी वाला काम, बिकॉज बीइंग प्रोटैगनिस्ट वो आपकी काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक तरह से कह लो कि आपके कंधे पे शो होता है। बिल्कुल। तो वो काफी जिम्मेदारी वाला काम फॉर मी ऑल्सो, फॉर वरुण ऑल्सो, या हर किरदार अपने आप में। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि छोटा बड़ा, क्योंकि आई हैव प्लेड लॉट ऑफ स्मॉल कैरेक्टर्स ऑल्सो शुरू से लेके, क्योंकि शुरू में ही पहले ही तो आपको पहली फिल्म या पहली कोई ऐसी सीरीज नहीं मिल जाती कि जिसमें आप के कंधे पे इतना बोझ आपको साबित करना पड़ता है, उसके बाद जाके ही होता है ये सब चीजें। तो ठीक है, हाँ, लेकिन जब जिम्मेदारी पड़ती है तो तब जरूर होता है कि यार उसको अच्छे से निभाया जाए। सो दैट वाज माय फीलिंग ऑल्सो। तो अच्छा लगा बहुत, और बहुत ही अच्छी सीरीज है, बहुत ही चैलेंजिंग जॉब थी सबके लिए। तो आपका जो कैरेक्टर है, पुलिस वाले का रोल आप प्ले कर रहे हैं, तो किस तरह का कैरेक्टर है, क्या है उसकी स्पेशलिटी, स्ट्रेंथ क्या है, कोई कमजोरियां हैं, क्या है? नहीं, वो एक नॉर्मल, अगर हम आम इंसान की बात करें, हाँ, हम में से ही आम लोगों में से निकला हुआ किरदार है तकलीफ से। तो उसमें मतलब मुझे ऐसे कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कमजोरियां तो चलो हर इंसान की होती है, वैसे भी उसकी भी होंगी, है ना, और अच्छाइयाँ भी हैं। और वही एक आम लाइफ का कैरेक्टर है, पुलिस वाला है, जिसका जो अपनी जिम्मेदारी घर पे और पुलिस अपने डिपार्टमेंट में निभाने की कोशिश हर कोई करता है, लेकिन कई बार आपको फ्रस्ट्रेशन का सामना भी करना पड़ता है, इस कैरेक्टर को भी करना पड़ रहा है या पड़ रहा होगा। तो उसमें अब क्या है, जॉब तो जॉब है, वो तो कर रहे हैं। तो वो एक छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप लेके चलते हो अपने साथ में। तो ब्रिलियंट कैरेक्टर, एंड मुझे बड़ा मजा आया इसको निभाने में। राइट। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले करना, जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है क्योंकि आपके कंधे पे थोड़ा वो आपका जो प्रोजेक्ट है वो बढ़ जाता है। तो किस तरह से आपके पास ये प्रोजेक्ट आया, कैसे हुआ ये रोल, ये किरदार आपने कैसे आपके पास आया, और फिर वो वजह क्या रही कि आपने एक्सेप्ट किया? जी, मुझे एक्सेप्ट ना करने की तो कोई खैर वजह पहले थी नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब पहली कॉल आई तो वो सुदीप जी की ही आई, सुदीप शर्मा। और मतलब हमें तो पता था कि सुदीप शर्मा जी कौन है, पता लोग देख रखा था और इनके बारे में सुना काफी था कि ही इज अ ब्रिलियंट राइटर। एंड जब वो कोई चीज कंसीव करते हैं, कुछ दिमाग में उनके खुराफात होती है, तो वो फिर मतलब छोटी मोटी नहीं होती। और फिर उसके लिए मतलब जब ये बोला जाता सामने से कि भाजी पहले आप ही हो जिनको कॉल आया है और आप एक बार आके मिलो, तो ये मतलब बड़ा बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। तो अब क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि भाई क्या क्या है, मतलब मुझे ही कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे पहले एक बंदे आप ही हो जिनको किसी प्रोजेक्ट के लिए मैं कॉल कर रहा हूँ। तो वो वहीं से ही फिर वो बटरफ्लाईज और वो सारा आपको शुरू हो जाता है, यार काश ना कि कुछ हो जाए बढ़िया। तो हो गया। तो वो ही इज द गाय एंड जिन्होंने सबसे पहले मुझ में विश्वास जताया बेसिकली। एंड ऑब्वियसली देन दैट प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, सुरेंद्र विकी को हम एक्सेप्ट करते हैं एज के बलवीर आए। और फिर प्रोड्यूसर्स ऑब्वियसली सब, मतलब सो एक फिर इस तरह से एक टीम बन जाती है धीरे धीरे। एक्सेप्टेंस जब हो जाती है, विश्वास जताया जाता है, तो ये चीजें होती है। मैं कह रहा हूँ कि जिस कारण से आपकी जिम्मेदारी पड़ती है, क्लीन स्लेट, बिग नेम, नेटफ्लिक्स, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं नाम सुन के पहले तो। देन द ग्रुप सुदीप शर्मा है, उनका, और राइट देन रमीत झा, ओ माय गॉड। तो ये कुछ एक नाम थे बड़े बड़े जिनकी वजह से जिम्मेदारी वाला काम था। तो दिमाग, माइंड, बॉडी, सोल सब झोंकना पड़ता है कि वही कैसे बिल्कुल हो। और डर ऑब्वियसली, डर के आगे कहते हैं जीत है। मेरे को लगता है कि वो जीत तो है, पर जीत से पहले मेहनत बिल्कुल है ना। अब जीत तो अभी मिलेगी जब मेहनत करेंगे। वो फिर वो आता है कि हाँ डर लगा है तो इसके बाद मेहनत करेंगे तो जीत भी जाएंगे। बिल्कुल तो यही था जी, बस। जी अच्छा, जैसे आपने एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया और उसके आपने इतने सारे रीजंस बताए जो अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट रीजंस हैं, लेकिन जब एक एक्टर किसी प्रोजेक्ट से जुड़ता है, एक किरदार करता है, स्पेशली उसमें भी अगर वो प्रोटैगनिस्ट है, तो इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ जाती है। अब हम एज ऑडियंस सीरीज को देखेंगे या जो फिल्म है उसको टोटलिटी में देखेंगे और हम उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। मैं आपसे शूटिंग प्रोसेस के दौरान सुविंदर जानना चाह रही हूँ कि जैसे ये इन्वेस्टिगेशन ड्रामा है, तो कोई ऐसा पॉइंट आया जिसकी वजह से या स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ आपको लगा जिसकी वजह से आप एज एन एक्टर बहुत इन्वॉल्व हो गए? You want to ask some particular moment or what? मतलब ऐसा स्क्रिप्ट में आपको कुछ लगा कि यार ये इस चीज में ऐसी पकड़ है जो ऑडियंस को तो बांधेगी, फिलहाल मुझे एज एन एक्टर इसने बांध दिया है। नहीं मतलब हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे पहली रीडिंग तो ऐसी थी कि यार ये क्या है, क्योंकि इस तरह का इन्वेस्टिगेशन ड्रामा फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज डूइंग फ्रैंकली। तो और हाँ, पुलिस वाले किरदार मैंने काफी किए, पुलिस वाले के, चाहे वो पंजाब में किए थे या उससे पहले कैट किया था, बट वो सब डिफरेंट थे। और ये तो खैर ये था कि मतलब आप कहते अंधेरे में तीर चला रहे हो वाली बात थी, तो मतलब सच्ची में समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा था। तो वो अपने आप में थोड़ा सा बंदा खींच जाता है कि जब आप पढ़ते हो एपिसोड 1 पढ़ रहे हो, उसके बाद आप कट पॉइंट पे आ रहे हो, एपिसोड 1 का लास्ट ये है और एपिसोड 2 यहाँ से शुरू होगा। तो मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि यार ये मैं कोई इस चीजों को याद रखूँ। वन में ये अच्छा यहाँ तक ये हुआ, सेकंड में ये होगा, मल्टीपल टाइम्स मैंने पढ़ा, तो वो कहीं पकड़ में चीज आ नहीं रही। तो मैं ना और कई बार मेरे को रात को भी इस चीज का ख्याल आना कि यार मुझे लग रहा था कि मैं ठीक नहीं पढ़ रहा हूँ, मतलब क्या मैं अपनी 100% नहीं दे रहा हूँ कैपेसिटी में, क्या मैं मतलब एज एन एक्टर इससे ईमानदारी से न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। तो पता नहीं क्यों कैसे एक ऐसी फीलिंग आ गई अंदर से ही अपने आप से, भाई अगर तू अभी समझ लेगा सारा कुछ तो इसको रहने दे, ऐसे ही यही तो है सीरीज, दिस इज द सीरीज ना, योर सॉल्विंग मतलब जो तुम्हें पता ही नहीं है क्लू, तू अभी से उसको क्लूज ले रहा है। मतलब ये फ्रैंकली मतलब ये चीज मुझे अंदर से ये चीज आई एज एन एक्टर, ये मेरे माइंड में कि हाँ इसको मैं क्यों मतलब ठीक है स्क्रिप्ट पढ़ी ये है, बट एक होता है ना कि आप उसमें घुसने की कोशिश करते हो कि अच्छा इसके बाद ये है पर्टिकुलर आप पॉइंट, फिर आप बिटवीन द लाइंस देखते हो राइट, उससे पहले क्या हो सकता है। बट बहुत ज्यादा मतलब मैं उसमें घुसने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसने मुझे घुसने नहीं, और अपने आप एक थॉट आई कि अभी से घुसेगा तो फिर वहां एक्टिंग में क्या करेगा, ऐसा ही चाहिए, यही चाहिए, यही कॉम्प्लिकेशन चाहिए कि मतलब कंफ्यूज रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट, मतलब उसकी जो राइटिंग थी ना, जो उसको लिखे हुई चीजें थी, वही इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कि मतलब आप चाह के भी ऐसे लग रहा था कि यार हाँ यार मैं आई वांट टू नो व्हाट नेक्स्ट। स्क्रिप्ट मेरे सामने, मुझे पता है आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसको पता है कि कोहरा में क्या होने वाला है, लेकिन मेरी समझ में भी क्यों नहीं आ रहा। तो फिर मुझे लगा कि यार जो एक्टर अभी पूरे को बिलीव करना है तो इसको मत ही समझ, इतना ही बहुत है कि क्योंकि फिर अगर समझ ही जाएगा तो वो बड़ा वो हो जाएगा ना, पता ही है अभी क्या करना, फिर वो रियलिटी नहीं रहेगी। तो ये चीजें भी अंदर से याद राइट, आई थिंक ये बहुत कमाल की बात है। और मैं आपसे इसीलिए ना इसके ऊपर एक चीज नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि आप एक ट्रक ड्राइवर बनते हैं तो लगता है कि आप सालों से ट्रक ही चला रहे हैं, आप पुलिस वाले बने तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पकड़ रहे हैं, या जैसे आपने कहा कि आम इंसान है लेकिन पुलिस वाला है तो वो वैसा लगे। तो सुविंदर कोई अप्रोच आप रखते हैं, आपकी कोई प्रोसेस है अपने कैरेक्टर्स को समझने की, आप उनकी बैक स्टोरी में जाते हैं या आप डायरेक्टर्स एक्टर हैं? ये डायरेक्टर्स एक्टर तो मैं हूँ, ये तो मैं कमिट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक सरेंडर मल्ली जो एक भावना है वो मेरे अंदर हमेशा शुरू से ही है। मुझे ये लगता ही नहीं है कि मतलब मैं तो पड़ा मामला अपना ठीक है, ईमानदारी जरूर है। ओनली थिंग इज दैट इज द पंक्चुअलिटी रहती है और ईमानदारी मतलब अपने काम को लेके, तो वो मेरे ख्याल से सब में ही होती है। तो मुझे भी ये चीज लगती है कि हाँ मैं भी ईमानदार एक्टर हूँ, तो वो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज मुझे अपने अंदर फील होती है। बाकी डायरेक्टर के एक्टर्स हैं वो उसमें तो वो मैं करता ही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आर्गूमेंट्स में नहीं पढ़ता हूँ कि नहीं सर ऐसा क्या ऐसा है तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। भाई जिस बंदे ने 1.5-2 साल रिसर्च करके लिखा है उसने इतनी वो क्या उसने ऐसे ही लिख दिया? आप हम्म 15 दिन की रीडिंग में आके बोल रहे हो नहीं, आई थिंक दिस इज लाइक दिस एंड लाइक दैट। मैं मेरा तो मैं सो मेरा वो प्रोसेस ही नहीं है। तो मैं वो जो लिखी हुई चीजें, हाँ ठीक है, कई बार आप आपके आपको अंदर से कुछ चीज आ जाती है, वो अलग चीज है ना कि हम्म आपको कुछ ईमानदारी से या कुछ इन रियलिटी जो डायरेक्टर्स एक्सपेक्ट भी करते हैं एक्टर से कि यार तू कुछ अपना भी तो एक्टर लेके आए ना। बिल्कुल तो वो मैं जब तक नहीं उसमें चीज में पढ़ता हूँ या जब तक वो मुझे उसमें सच्चाई नजर नहीं आया कि जो मैं बोलने वाला हूँ, जो मैं डायरेक्टर या राइटर से जो कहने वाला हूँ कि यार ये इसको अगर हम ऐसे इसकी बजाय ऐसे, अगर वो मुझे जब तक नहीं लगता कि इट्स गोइंग टू बी रियल, या मुझे मेरे अंदर से ये फील है मैं मतलब कहने के लिए नहीं सिर्फ कि आई हाँ वांट टू शो माई सेल्फ, है ना कि नहीं, यार जैसे कई बार कहीं की आदत होती भी है, तो तब तक मैं तो नहीं बोलता। सीधी बात है, अपना जो है जो जो चीज है पहले उसी को ही तो ढंग से परफॉर्म कर लो। जी वो को अच्छा वो को माड़ा थोड़ी लिखा हुआ है, इतनी अच्छी लाइन लिखी हुई है। कई बार हमारी कोशिश होती है एक्टर्स तो इसको चेंज कर दें, राइट ऐसे नहीं ये वर्ड, या तो मेरे ख्याल से जो वर्ड जिसका जहाँ पे स्ट्रेस बनता है वो वैसे ही लिखा होता है, वो उन्होंने वर्क करके लिखा हुआ। और हाँ ठीक है, नॉर्मल बोलचाल में कई बार हमें लग जाता है कि इसको ये आगे कर देते हैं, इसको ये पीछे कर देते हैं, तो मान भी जाते होते हैं कई बार, लेकिन बाद में एक सोच आ भी जाती है कि नहीं, यार जैसे लिखा है, ये वैसे ही सही है। हाँ तो मैं हाँ तो, तो मैं मेरा अपना कमिटमेंट वाला मामला है, मैं हमेशा डायरेक्टर पे ही उनकी अप्रोच से ही काम करता हूँ। राइट तो सुविंदर, इंडस्ट्री में इतने साल, पंजाब में आपने काम किया, मेन स्ट्रीम सिनेमा में काम किया है, छोटे बड़े हर रोल किए हैं। एज एन एक्टर कोई प्रोजेक्ट, कोई खास किरदार है जो आप चाहते हैं कि आपको ऑफर हो, आप निभाएं उसे? नहीं अभी मैंने ऐसा कुछ फ्रैंकली ऐसी कुछ सोच अभी डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, मतलब रियल लाइफ कैरेक्टर्स आई लव, है ना, जो हम्म जिसमें प्रोसेस वाला, जैसे आपने अभी बात की ना कि कुछ एक प्रोसेस का मतलब है कि आपकी एक इन्वॉल्वमेंट, दैट्स जी इट। हाँ मतलब वो 100% वाली इन्वॉल्वमेंट हो, तो इस तरह के रियल लाइफ कैरेक्टर्स मुझे मजा आता है, क्योंकि जो आई फील के मुझे बहुत ज्यादा किसी को इमिटेट करना या कि कहीं से कैरेक्टर ढूंढ के लाना, मैं अपने से ही कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर से ही जो भी किरदार है वो जी उसको, अगर गालिब था तो उसको भी मैं कोशिश किया तो कि मैं सुविंदर को ही गालिब में देखूं, या बलवीर को ही मैं अपना सुविंदर में मैं बलवीर सुविंदर से ही निकालूं। राइट राइट ऐसा नहीं है, मैंने की है, लेकिन वो मुझे मतलब थोड़ा सा फेक सा लगा, तो फिर मैंने फिर अपने आप पे ही विश्वास किया कि भाई मैं ही कर सकता हूँ। तो हाँ रियल लाइफ कैरेक्टर जो है मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं, चैलेंजिंग हो कुछ, बस ये है। जी। अच्छा, जाते जाते कोहरा के लिए ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को जरूर ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छा क्राइम सीरीज है, क्राइम थ्रिलर है, जिसमें मजा आने वाला है। आप मेरे ख्याल से कोशिश ये करिएगा कि इसको वन गो में देखो एक बार, और मेरे इसमें वो कैपेसिटी है भी हम्म कि जब आप शुरू कर लोगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इसको कल वाले मामले में भी कल जी देख जी लेंगे, आपको फिर से एपिसोड 1 देखना पड़ेगा दोबारा। इसलिए इट्स बेटर कि आप 1 से स्टार्ट करो, आप लास्ट तक एपिसोड देखो तो अच्छा लगेगा। एंड और पंजाब का एक ये है कि थोड़ा सा एक हटके पंजाब दिखाया गया है। वो सरसों का खेत, सरों का साग, मक्की की रोटी, भंगड़ा, ढोल, उससे अलावा भी पंजाब है ना। आम लोगों में पंजाब बसता है, राइट आम लोगों की प्रॉब्लम्स पंजाब में जो है वो भी तो एक चीजें हैं। सारे पंजाबी खुश भी नहीं है और सारे पंजाबी दुखी भी नहीं है, तो वो सारा जो एक मिश्रण है वो सब एक नया पंजाब, एक नया एंगल। वाह, तो ये मेरे ख्याल से इसकी ये खासियत ही है। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सीरीज के सक्सेस के लिए, और आगे जो भी आप काम करें, और जैसे चैलेंजिंग रोल्स आप चाहते हैं सुविंदर, हम यही चाहेंगे कि आपको मिले, आप हमें ऐसे ही एंटरटेन करें। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर गिविंग योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।